वो उद्यान, वो मकबरा, वो नक्काशी, वो झरोखे, वो हवा के झोंके, फूलों का इतराना कुछ इस कदर जैसे बारिश की बूंदें इतराती है घटा से गिरकर। देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिमी भाग में इतिहास के कई सबूत मौजूद हैं, जिनमें एक नाम लोदी उद्यान का भी है, जो अपनी खूबसूरती, नक्काशी और मुगल वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ब्रिटिश काल में लोदी उद्यान को लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम से भी जाना जाता था। लोदी काल में यहाँ के गुंबदों का निर्माण हुआ, लेकिन इसे बाग का स्वरूप ब्रिटिश काल में दिया गया। आज़ादी के बाद इस उद्यान में काफ़ी सारे बदलाव हुए। आज के लोदी गार्डन का स्वरूप इन्हीं बदलावों का नतीजा है। इस उद्यान के बीच में बना लोदी वंश का मकबरा औरत के माथे पर सजे बिंदी की तरह है, जो इस उद्यान की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। आज का लोदी गार्डन कल के लोदी गार्डन जैसा नहीं है। इतिहास के पन्ने जैसे जैसे बदले, वैसे ही ये उद्यान भी बदला। वक्त के साथ इसकी खूबसूरती बढ़ती ही गई और आज ये इतना खूबसूरत है कि लोग यहाँ जाकर इसके मनमोहक दृश्य में गुम हो जाते हैं। रोजाना की भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर एक पल सुकून का बिताने के लिए यहाँ हर रोज हजारों लोग आते हैं। अपनी अंतरात्मा से मुलाकात का इससे बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकता। यूं तो लोदी गार्डन में बताने के लिए हजारों बातें हैं, पर जॉन एलिया की ये मशहूर शायरी इस उद्यान को चंद शब्दों में समेट देता है कि हमारे जख्म ए तमन्ना पुराने हो गए हैं, कि उस गली में गए अब जमाने हो गए हैं।